समाजवादी शिक्षक सभा द्वारा मंगलवार को एक निजी हॉल में लोकतंत्र बचाने में शिक्षकों की भूमिका पर मंडल स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सपा के शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूतपूर्व कुलपति प्रोफेसर बी पांडे का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूतपूर्व कुलपति प्रोफेसर बी पांडे ने कहा कि शिक्षकों से बड़ा कोई लोकतांत्रिक नहीं होता तथा शिक्षक मानवतावादी व समाजवादी होगा तभी लोकतंत्र बचेगा। उन्होंने कहा कि बोलने की आज़ादी का अधिकार संविधान देता है तथा कोई भी शिक्षक किसी के बहकावे में ना आए तो लोकतंत्र अपने आप बच जाएगा। इस अवसर पर सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद सहानी, अखिलेश यादव, मोहसिन खान, यशपाल सिंह राहत, अमरेंद्र निषाद, ओम प्रकाश यादव, मुन्नीलाल यादव, मनोज यादव, अवधेश यादव, सिंहासन यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूतपूर्व कुलपति प्रोफेसर पी पांडे ने कहा, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी आने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आज का मुख्य विषय है शिक्षकों द्वारा प्रदान गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और समाजवादी विचारक विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद अध्यक्ष सम्मानित जियाउल इस्लाम साहब, हमारे जिले के महासचिव, समाजवादी पार्टी सभा गोरखपुर मंडल आगे स्वागत को अभिनंदन करती है। संदर्भ तो मूल है कि वर्तमान में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र बचाने के लिए हम शिक्षकों का जन जागरण करने के अभियान से उत्तर प्रदेश के समस्त मंडलों में विचार गोष्ठी कर रहे हैं और हमने शीर्षक दे रखा है कि लोकतंत्र बचाने में शिक्षक की क्या भूमिका होगी या क्या होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही शिक्षक है, वह समाज का प्रणेता है, निर्माता है, नवयुवकों का निर्माण करता है, उनके मन मस्तिष्क में भाव भरता है। इसलिए शिक्षक जागे और लोकतंत्र बचाने के लिए जन जागरण अभियान पैदा करे, यही मूल उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है हम मिल करके शिक्षक समस्याओं पर चर्चा करें और उन समस्याओं के लिए भाई जो समस्याएं हमने अभी हमारे एक मित्र ने कहा, हमने लिख के भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया कि वित्त विहीन शिक्षकों की बाढ़ नहीं कहा, बहुसंख्य संख्या बढ़ गई है निश्चित तौर पर राजकीय विद्यालयों से और वित्त पोषित विद्यालयों से वित्त विहीन शिक्षकों की संख्या बढ़ी है, तो बढ़ना कोई खराब चीज़ थोड़े, बाढ़ आ गई है हमने सब नहीं कहा था, हमने कहा था कि इनकी संख्या बहुत है और इनका कोई मानदेय न्यूनतम भी निर्धारित नहीं है, तो सरकार कुछ सब्सिडी दे और बाकी मैनेजमेंट से बात करके उनका न्यूनतम वेतन मान निर्धारित हो। हर चीज़ का निर्धारित है, बिस्कुट का भी MRP है, मैक्सिमम रेट है, मिनिमम रेट है, लेकिन वित्त विहीन शिक्षकों का कोई मानदेय निर्धारित नहीं है, मैनेजमेंट के ऊपर है, वह मोल भाव करके वित्त विहीन शिक्षकों को रखता है। वित्त विहीन शिक्षकों का तो इस महामारी काल में 18 महीने 20 महीने से वेतन ही नहीं दिया लोगों को और बेरोजगारी के कगार पर है, रोटी के ऊपर है, तमाम वित्त विहीन शिक्षक हमको मिले जो ई रिक्शा चलाते हुए मिले, पान मसाला बेचते हुए मिले। तो शिक्षक जो समाज का निर्माता है, आज अगर भुखमरी पर शिकार पर है तो हम गोष्ठी नहीं करेंगे, हम गोष्ठी करके शिक्षकों में जन चेतना जागरण करने का अभियान चला रहे हैं मंडल स्तर पर और सरकार से मांग, इस सरकार से क्या मांग करें तो गूंगी बहरी सरकार है देने के नाम पर नहीं, हम अपनी सरकार से भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम इन शिक्षकों की समस्याओं को लिख के दे दिया है। 5 तारीख की बात जो हुई, 5 तारीख को उनको प्रत्यावेदन दिया गया जिसका वहाँ के न्यूज में भी निकला था और सरकार आने पर उन्होंने आश्वासन दिया है, घोषणा उन्होंने नहीं किया क्योंकि हमारे नेता घोषणा मंत्री नहीं हैं, काम करने में विश्वास करते हैं, यथा समय कब घोषणा करेंगे यह उनको पता है, तो इसलिए शिक्षक हित की उन्हीं से अपेक्षा है। सरकारी इंटर कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में संविदा के शिक्षक 12-14 साल से थे, माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको रेगुलराइज करके पूर्णकालिक शिक्षक बनाया,
तो जो शिक्षक हित करता है उसी से अपेक्षा की जाती है, शिक्षकों के हित में क्या हो सकता है। यह चेतना जागरण करने के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए हम इस तरह की गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।